डॉक्टर अनुजा केळकर, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और केळकर तोरणकर साइकेट्री नर्सिंग होम घोड़बंदर ठाणे में एज अ साइकेट्रिस्ट कई सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड डिसऑर्डर्स और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कनेक्शन। हमारे गले में एक थायराइड ग्लैंड होता है, ये थायराइड ग्लैंड का काम है थायरोक्सिन रिलीज करना, जो हार्मोन है। और ये थायरोक्सिन जो है ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब कुछ वजह से इसका जो प्रोडक्शन है, ये हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, ये कम या ज़्यादा हो सकता है। यानी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, और अगर कम प्रोडक्शन हुआ तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसे दो मुख्यतः थायराइड डिसऑर्डर्स हैं। लेकिन ये हार्मोन का कनेक्शन कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी है। अगर ये हार्मोन कम हो गए या बढ़ गए तो उसका रिलेशन न्यूरोकेमिकल से है, और उसकी वजह से हमारे साइकोलॉजी पे भी उसका इम्पैक्ट होता है। अब क्या होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में डिप्रेशन बहुत कॉमनली देखा गया है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सैडनेस है, काम करने की इच्छा ना होना, या फिर एक जगह बैठे ही रहना, विचारों में बैठे रहना, रोना आना या नींद ठीक से ना आना, मूड बहुत चेंज होना, घबराहट होना, एंग्शियसनेस रहना, तो ये सब जो है ये डिप्रेशन के लक्षण हैं। तो डिप्रेशन हो सकता है, इसके लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं जनरली। उसके साथ साथ पैनिक अटैक्स किसी किसी को आते हैं, पैनिक डिसऑर्डर भी शुरू होता है। और उसमें क्या होता है कि एपिसोडिक घबराहट, एंग्जाइटी और पसीना आना और धड़कन एकदम से तेज़ हो जाना, और ऐसा लगना कि अभी मैं मर जाऊंगी या कुछ तो मेरे साथ हो जाएगा, और एकदम से हाथ पैर सुन पड़ जाना, तो ये है पैनिक अटैक्स। और किसी किसी को एंग्जाइटी, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यानी छोटी छोटी बात को लेके चिंता, यानी खाने में क्या बनाऊँ तो चिंता, या फिर कॉलेज स्कूल ऑफिस जहाँ भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ जाना है तो वहाँ की चिंता, बच्चे घर में आएंगे तो क्या खाएंगे इसकी भी चिंता, कल खाने में क्या बनाओ इसकी चिंता, बच्चे घर जल्दी नहीं आए इसकी चिंता, ऐसी हर एक चीज़ की चिंता होती है। और ये जो सब प्रॉब्लम्स है ये हॉर्मोन से ही रिलेटेड होते हैं। अब दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म में भी देखा गया है कि डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, जैसे मैंने कहा कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, डिप्रेशन के भी जैसे मैंने बोला लक्षण वो डिप्रेशन का प्रॉब्लम होता है, या पैनिक अटैक्स का प्रॉब्लम जनरली हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। इसके साथ साथ थायराइड डिसऑर्डर्स में साइकोसिस भी होने के चांसेस है, लेकिन अगर हाइपोथायरॉयडिज्म लॉन्ग टर्म तक या ज़्यादा दिनों तक अगर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो फिर साइकोसिस डेवलप होता है। अब साइकोसिस में क्या होता है, साइकोसिस में आवाज़ें आना, डर लगना, कोई मेरे अगेंस्ट है, मुझे कुछ कर देगा, मेरी फैमिली को कुछ कर देगा, ऐसा डर लगना, कानों में आवाज़ आना, भ्रम होना, लोग आजू बाजू बात कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं जबकि कोई आजू बाजू होता नहीं है, उन्हें कमांड करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसी आवाज़ें आना, नींद न लगना, और फिर उसकी वजह से फिर घबराहट, डर लगता है, बाहर जाने की इच्छा नहीं होती, फिर उसकी वजह से काम करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि वो आवाज़ें इतनी सताते हैं, उसका आटा डेल्यूशनल हो जाते हैं वो लोग, यानी उन्हें डर लगता है कि कोई आसपास आ रहा है, हमें देख रहा है, कैमरे घर में लगे हैं, हमें सर्विलेंस पे रखा हुआ है, कोई स्पाय हमारे पीछे लगा हुआ है, ऐसे अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। अब जनरली साइकोसिस जो है वो बहुत कम लोगों में दिखता है, लेकिन मेरे पास एक फीमेल आई थी, वो एक्चुअली 40-45 एज होगा, ऐसे एज में साइकोसिस सडनली डेवलप होना बहुत रेयर है। हाँ, चांसेस तो है ही, लेकिन उसके और भी कारण हो सकते हैं, ये हमने पूरा जांच करना चाहिए। तो जब उसने मुझे बताया तो मुझे बहुत अटपटा लगा कि ये एज में सडनली साइकोसिस क्यों हुआ है। तो फिर मैंने सब इन्वेस्टिगेशंस करवाए, उसमें उसको हाइपोथायरॉयडिज्म निकला, और उसको ये तकलीफ ऑलमोस्ट साल भर से थी, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को बताया ही नहीं कि मुझे ये ऐसे तकलीफ हो रही है, आवाज़ें आ रही है। तो ऐसा साइकोसिस भी उसकी वजह से हो सकता है। अब जो इसका ट्रीटमेंट पार्ट है
उसमें जनरली क्या होता है कि फीमेल्स ये प्रॉब्लम्स डिस्कस ही नहीं करती है। अगर हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म डायग्नोस हुआ है तो उनके जो डॉक्टर्स होते हैं तो उनके साथ ये चीज़ है कि हमें ऐसा भी होना हो रहा है, ये डिस्कस ही नहीं करती है। उन्हें लगता है कि ठीक है हो रहा है। अगर वो ये चीज़ को इम्पॉर्टेंट समझे तो इसका इलाज हो सकता है। ये कोई साइड इशू नहीं है, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है। थायराइड डिसऑर्डर का ऑलमोस्ट पार्ट है ये, तो इसलिए इसको भी अटेंशन देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि थायराइड प्रॉब्लम को। तो ये आपके डॉक्टर से बात कीजिए और उसके साथ आप साइकेट्रिस्ट की सलाह लीजिए। साइकेट्रिस्ट के पास जाके आप अगर प्रॉब्लम्स आपके बताएंगे तो उसके हिसाब से, अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट होगी, एंटी डिप्रेशंस दिए जाएंगे, एंटी एंग्जाइटी ट्रीटमेंट मेडिसिन से फ़र्क पड़ेगा। अगर पैनिक अटैक्स आ रहे हैं तो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन से फ़र्क पड़ेगा। जनरलाइज एंग्जाइटी है तो उसमें भी एंटी डिप्रेशंस एंटी एंग्जाइटी से फ़र्क पड़ेगा। साइकोसिस अगर डेवलप्ड है तो एंटी साइकोटिक्स हमको देना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग ट्रीटमेंट है, लेकिन ये भी उसके साथ ज़रूरी है ताकि थायराइड का जैसा इफेक्ट, अरे आपके हार्मोन जैसे नॉर्मल पे है वैसा ये भी चीज़ कुछ दिनों में नॉर्मल पे आ सकता है और आ ही जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी, काउंसिलिंग, इंडिविजुअल काउंसिलिंग से भी बहुत फ़र्क पड़ता है और हिप्नोथेरेपी से भी बहुत फ़र्क इसमें पड़ सकता है। तो ये थी थायराइड डिसऑर्डर और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कनेक्शन के बारे में जानकारी। आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे केकर तुअनकर साइकियाट्री नर्सिंग होम के कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9503309619। आप वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा उद्देश्य था कि काफ़ी फीमेल्स जो थायराइड की वजह से सफ़र कर रही है या फिर मेल्स जो थायराइड के प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं, इनके साथ जो भी डिप्रेशन जिनके थायराइड के साथ जुड़ा हुआ है तो वो पहचाने और पहचान के उसका ट्रीटमेंट करें। धन्यवाद।